लीजिए, आप सप्लाई डायरेक्टली इसी से कनेक्टेड है और कहीं से कनेक्ट नहीं है, आप देख सकते हैं दोस्तों। ये देखिए, तो मैं यहां से देखिए मैं चला रहा हूं, आप देख सकते हैं अभी, देखिए देखिए आप देख सकते हैं इसी पर चल रहा है दोस्तों। ओके दोस्तों, वेलकम यूट्यूब चैनल के, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोग को इतनी बढ़िया, इतनी अच्छी, इतनी खास स्पेशल चीज बताने जा रहा हूं दोस्तों, जो कि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स या दोस्तों या सब्सक्राइबर का ये एक इशू होगा दोस्तों। आप देख सकते हैं ये कन्वर्टर बॉक्स है दोस्तों, और इस कन्वर्टर बॉक्स पर आप इंडक्टिव लोड नहीं चला सकते, ऐसा मैंने कहा था, ऐसा सभी लोग जानते हैं दोस्तों। टीवी, लैपटॉप, चार्जिंग फोन, इस तरह के कुछ इक्विपमेंट आप चला सकते हैं और आप इंडक्टिव लोड से नहीं चला सकते। मैं दोस्तों अभी आप लोग को इस पर सबसे पहले ड्रिल मशीन चला करके और एक मिक्सर चला करके बताता हूँ, उसके बाद मैं ऐसा बताता हूँ कि ये कैसे पॉसिबल है, क्या तरीका है इसका दोस्तों। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ड्रिल मशीन से आने वाला ये वायर है और मैंने इसको इसमें कनेक्ट कर दिया दोस्तों, इस तरीके से ड्रिल मशीन के वायर को कनेक्ट कर दिया और मैं सप्लाई को बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ दोस्तों। ये मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, अभी आप देख सकते हैं कि ये रहा इंडिकेशन और ये रही ड्रिल मशीन। अब मैं इसको चला करके आप लोग को दिखा रहा हूँ, देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं। और डाउट के लिए कि मैं किसी और चीज से चला रहा हूँ, ये देख लीजिए, आप सप्लाई डायरेक्टली इसी से कनेक्टेड है और कहीं से कनेक्ट नहीं है, आप देख सकते हैं दोस्तों। ये देखिए, तो मैं यहां से देखिए मैं चला रहा हूँ, आप देख सकते हैं फुल पावर में चल रही है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आ रही दोस्तों, आप देख सकते, देखिए। अब मैं आप लोग को हल्की सी इस मशीन को भी चला करके दिखा देता हूँ। तो देखिए, प्लग को मैंने निकाला ड्रिल मशीन को और मिक्सर के प्लग को मैंने कनेक्ट कर दिया दोस्तों, ठीक है। अभी आप देखिए, मिक्सर के प्लग को कनेक्ट कर दिया, ये मिक्सर का वायर है, कहीं और कनेक्ट नहीं है दोस्तों। अभी देखिए, देखिए आप देख सकते हैं इसी पर चल रहा है दोस्तों, लेकिन दोस्तों ये मिक्सर थोड़ा ज्यादा वॉट का है, तो अगर मैं इसको थोड़ी भी देर और रखूंगा तो ये ओवरलोड दिखा देगा दोस्तों। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये चल रहा है, जबकि ये देखिए ये ओवरलोड दिखा रहा है। ओवरलोड का मतलब ये ज्यादा मैंने लोड इस बॉक्स पर लगा दिया दोस्तों, तो अब मैं इसको नहीं चला सकता। प्रोटेक्शन ऑन हो गई है, अब ये नहीं चलेगा, अब ये कुछ समय बाद चलेगा जब इसका वो कंपोनेंट ठंडा हो जाएगा, जो सेंस करता है कि ओवरहीट हो गया, ठीक है। इसको मैं निकाल लेता हूँ, अब मैं दोस्तों आप लोग को समझाता हूँ। ओके दोस्तों, अब मैं आप लोग को समझाता हूँ, प्लीज अब मेरी बात को आप बिल्कुल एकदम से समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। दोस्तों ये जो कन्वर्टर बॉक्स है, ये इंडक्टिव लोड को सपोर्ट नहीं करता है, इस बात को मैं क्लियर कर देता हूँ कि हाँ ये इंडक्टिव लोड को सपोर्ट नहीं करता दोस्तों, ठीक है। फिर ये ड्रिल मशीन और ये जो है वो मिक्सर हमारा इस पर कैसे चल रहा है दोस्तों? अब दोस्तों ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारा ये जो ड्रिल मशीन है या ये जो हमारा मिक्सर है, इसके दोनों के अंदर एक ही प्रकार की मोटर इस्तेमाल करी गई है, एक ही प्रकार की एसी मोटर इस्तेमाल करी गई है, और उस मोटर का नाम होता है यूनिवर्सल मोटर, ठीक है। कभी कभी इसको हाइब्रिड मोटर भी बोला जाता है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसको, और ये मैं इमेज आप लोग को दिखा रहा हूँ, देखिये ये वाली इमेज, ये इमेज, ये सब यूनिवर्सल मोटर है। और दोस्तों इसमें जो हमारी फील्ड होती है, मींस एक स्टेटर पार्ट होता है फील्ड का जो रुका रहता है, और एक रोटर पार्ट होता है जो मूव करता है। दोनों ही पार्ट में वाइंडिंग्स होती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कॉपर वाइंडिंग्स होती हैं, जो इस तरीके के इंसुलेटेड कॉपर वायर से बनाई जाती हैं दोस्तों। तो इसमें क्या होता है, हमारी जब एक साथ दोनों ही फील्ड में हमारा एसी पल्स जाती है दोस्तों, ये पल्स कन्वर्टर बॉक्स कहलाता है, इसका दूसरा नाम पल्स होता है। ये एग्जैक्टली इन्वर्टर की तरह काम नहीं करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल कुछ डिफर है। तो दोस्तों जब दोनों फील्ड में एक साथ और जो है एसी पल्स जाती हैं, तब ये मशीन काम कर पा रही है। ये वाली भी यूनिवर्सल मोटर से चल रही है ड्रिल मशीन, और ये भी मिक्सर दोस्तों। इसके बजाय अगर मैं दूसरी उस पर आता हूँ, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये मोटर और ये मोटर, ये सब जो है हमारी सिंगल फेस इंडक्शन मोटर होती है, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर होती है। तो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का मतलब है कि हमारी इस तरह की पंप की मोटर दोस्तों। तो ये पंप की मोटर में बेसिकली यही होता है। तो ये हमने इस
चीज को हमने सीखा। तो दोस्तों आप समझ पा रहे हैं कि कोई भी यूनिवर्सल मोटर होगी जो 100 वाट के अंदर अगर रन हो पा रही है, या आप विदाउट लोड रन कराएंगे तो ज्यादा वाट की भी रन करा सकते हैं, तो कोई भी जो है हमारी यूनिवर्सल मोटर को आप इस बॉक्स पर चला सकते हैं, लेकिन सिंगल फेस इंडक्शन मोटर को आप इस पर नहीं चला सकते। सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का मैं अगर आप लोगों को एग्जांपल दूं तो हम वो होता है हमारा ये कूलर में लगने वाला पंप, हमारा सीलिंग फैन, टेबल फैन और कूलर की पंप, कूलर की मोटर, ये सब हमारी सिंगल फेस इंडक्शन जो है मोटर्स होती हैं। जबकि यूनिवर्सल मोटर आप देख सकते हैं ड्रिल मशीन की मोटर और मिक्सर की मोटर और वॉशिंग मशीन की मोटर, ये सब हमारी जो है यूनिवर्सल मोटर होती हैं या हाइब्रिड मोटर्स होती हैं। दोस्तों आई होप कि इस वीडियो में आप लोग को बहुत अच्छे से बहुत कुछ समझ में आ गया हो। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए, बहुत अच्छी और स्पेशल बात मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। दोस्तों आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।